हाय गाइस, अभी डिस्कस करते हैं जो संडे को दो मैच हुए, आरसीबी वर्सेस पंजाब और मुंबई वर्सेस दिल्ली। तो पहले हम आरसीबी वर्सेस पंजाब देखते हैं, जो कि दो जैकपॉट मैच हुए, ठीक है। तो वो देखते हैं वेरिएबल्स के हिसाब से वो जैकपॉट होने बनते थे या नहीं बनते थे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली भी थी कि लाइक जैकपॉट मैचेस के कैसे वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये पहले वेरिएबल्स देखते हैं उस दिन क्या क्या थे। जैसे पिच उस दिन बैटिंग थी, ठीक है। ग्राउंड डायमेंशन मतलब ग्राउंड छोटा तो नहीं था, बट हाँ मीडियम था। ड्यू फैक्टर आ गया था, काफ़ी ड्यू थी, आप देख भी सकते हैं। डिप्लोसिस ने लाइक मैच के बाद जब उसका वो हुआ था, उससे पूछा था, उसने बोला था ड्यू की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं फर्स्ट बैटिंग कैसी थी, ठीक है। तो डुप्लेसिस, विराट, मतलब डेविड विली, हर्षल पटेल भी थोड़ा अच्छी बैटिंग कर लेता है, ठीक है। हर्षल पटेल तक बैट्समैन है, डेविड विली ये सब तो है ही। तो मतलब देखो फर्स्ट बैटिंग की डेप्थ अच्छी थी, ठीक है। अब देखते हैं उनके पास एक्स फैक्टर बैट्समैन भी थे, मतलब एक तो रदरफोर्ड है, डुप्लेसिस को मान लो, हसरंगा, तो एटलीस्ट ये दो तीन को मिला के दो तो एक्स फैक्टर बैट्समैन है, ठीक है। जो फर्स्ट बॉलिंग थी उसकी एक्स फैक्टर बॉलर एक भी नहीं है, ठीक है सब। और मतलब और यहाँ पे अगर देखो देखो जो ये अर्शदीप है, राहुल चहर है और संदीप शर्मा है, अगर बैटिंग पिच हो तो ये सब, ये बॉलिंग ओवरऑल एवरेज ही लग रही है। अगर बॉलिंग ट्रैक हो, स्लो पिच हो, तो ये बॉलिंग लाइनअप अच्छी बन जाती है, बट बैटिंग पिच थी इसलिए वजह से ये ओवरऑल बॉलिंग बैड और ओके बन गई, जिसकी वजह से एक रीजन है कि लाइक 202 का टारगेट बन गया, ठीक है। तो चलो जब 202 का टारगेट, 202 या 205 का टारगेट बन गया, तो अब देखते हैं चेजिंग वाला, लाइक 20-22 का रेट था फर्स्ट इनिंग के बाद। तो अब हमें देखना है कि वो चेज होगा ही नहीं होगा, उसके हमारे फेवर में फैक्टर कौन कौन से हैं। देखो जैसे मैंने बोला है कि चेजिंग के लिए फैक्टर हमारे पास, मतलब चेजिंग मतलब जैकपॉट टाइप जो 20-22 से वो चेज होता है, उसके लिए देखो बैटिंग पिच ये हमारे फेवर में है, ड्यू पड़ रहा है ये हमारे फेवर में है, ठीक है। ग्राउंड चलो थोड़ा मीडियम था, उतना छोटा नहीं था, लेकिन दो फैक्टर हमारे उसमें, चलो ये भी बड़ा बिग बिग ग्राउंड तो नहीं था, कि बिग बाउंड्री साइज तो नहीं था, तो चलो दो तो साफ साफ हमारे फेवर में है, ठीक है। अब बैटिंग जो सेकंड करने आए उसके पास डेप्थ देखते हैं कहाँ तक है। देखो हरप्रीत बरार भी बैटिंग करता है, तो ये चलो ये इससे ऊपर आएगा, तो 7 नंबर 8 नंबर तक बैट्समैन भी थे। उससे पहले देखो पूरी पूरी लाइनअप ही कितनी अच्छी है, लाइक मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, लिंग्विस्टन, राजपक्षा, अगर किसी ने श्रीलंका प्रीमियर लीग जानते होंगे तो राजपक्षा भी एक अच्छा हिटर है, ठीक है। शाहरुख खान भी एक हिटर है, ओडिन स्मिथ और राजबावा, चलो अंडर 19 का इसको इतना नहीं बोल सकते, लेकिन टॉप 6 तो एकदम, जिसमें से लाइक 3 एक्स फैक्टर बैट्समैन है, ठीक है। तो इनकी डेप्थ भी अच्छी है, एक्स फैक्टर बैट्समैन भी है, और लाइक चलो उनके पास बॉलिंग में, आरसीबी की बॉलिंग में जो सेकंड बॉलिंग कर रही थी, एक एक्स फैक्टर बॉलर मैं मानता हूँ कि हसरंगा है, वो एक्स फैक्टर बॉलर है, कि ठीक है नंबर 1 बॉलर है, बट वही मैं बात बोल रहा हूँ ना कि लाइक पिच पिच उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी उस दिन। क्यों? क्योंकि वो बैटिंग फ्लैट बैटिंग पिच थी, अगर पिच स्लो होती तो वो जरूर बहुत इफेक्टिव होता। और ओवरऑल बॉलिंग देखो, ये आकाशदीप कौन था, कोई नया था, डेविड विली भी कुछ वो नहीं है, लास्ट टाइम मतलब ठीक है ये हर्षल पटेल ने अच्छी बॉलिंग की थी, अगर इनकी बॉलिंग में जोश हेजलवुड आ जाएगा और थोड़ी बॉलिंग कंडीशन होगी तो ये लाइनअप बहुत अच्छी हो जाएगी बॉलिंग की, ठीक है। लेकिन आज उस दिन तो नहीं थी, क्योंकि बैटिंग कंडीशन थी, इसकी वजह से इनकी बॉलिंग भी ओवरऑल ओके थी। तो देखो चेजिंग के फेवर में हमारे क्या क्या चीज जा रही है, बैटिंग डेप्थ है, एक्स फैक्टर बैट्समैन है, और उनकी बॉलिंग भी ओके और अच्छी ओके ही है, ठीक है, अच्छी नहीं है, और यहाँ पे बैटिंग पिच है मीडियम है, इसलिए ये चेज हो गया, इजिली हो गया, ठीक है। तो बस, तो फर्स्ट जैकपॉट ये जैकपॉट मैच था जिसके वेरिएबल्स मैंने आपको बताया, अभी सेकंड क्या देखते हैं, ठीक है। तो ये एक और मैच जो हुआ था उस दिन, लाइक मुंबई वर्सेस डीसी, ठीक है। पहले इनके लाइनअप है पूरी, यहाँ पे ये लाइनअप डीसी की, तो इनके वेरिएबल्स देखते हैं, ठीक है। बैटिंग पिच थी, साफ साफ बोल दिया था लाइक ऐसे ही, मतलब मैच शुरू होने से पहले। ग्राउंड डायमेंशन स्मॉल थी, ड्यू नहीं थी क्योंकि दिन का मैच था, ठीक है। देखो फॉर्म में इसलिए नहीं भर रहा क्योंकि अभी पता नहीं है ना कि कौन कौन फॉर्म में है, वो मतलब दो मैचों के बाद पता लगता है, एटलीस्ट दो मैच सबके होने के बाद। तो देखो डेप्थ है, हाँ है, डैनियल सैम 7th नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो मुंबई की बैटिंग फर्स्ट थी, तो इसलिए फर्स्ट बैट की मैं वो वेरिएबल्स भर रहा हूँ, ठीक है। एक्स फैक्टर बैट्समैन पोलार्ड है, डेविड है, रोहित शर्मा है, मतलब इनमें तो है, लेकिन दो इसलिए भरे हैं क्योंकि टिम डेविड का पता नहीं है वो कैसा खेलेगा, क्योंकि अभी इंडिया में आईपीएल में फर्स्ट टाइम है, तो दो रखे हैं। तो उनकी दिल्ली की फर्स्ट बॉलिंग एक्स फैक्टर बॉलर एक भी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल बॉलिंग ओके और गुड के बीच में है, ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब काफ़ी इंटरने अक्षर पटेल भी इंडिया के लिए खेलता है, शार्दुल ठाकुर, खलील अहमद, तो ओके और गुड, ऐसे बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे और बेकार भी नहीं बोलेंगे, ऐसे थोड़ी सी बेकार ही है मेरे हिसाब से, बट फिर भी ओके और गुड। और फिर देखो चलो उस दिन टारगेट ये था मुंबई ने 178, ठीक है। अब देखते हैं बैटिंग डेप्थ कैसी है इसकी दिल्ली की, ठीक है। देखो शार्दुल ठाकुर
आठ नंबर पे आ रहा है, ठीक है, बैट बोलने को ठीक है, शार्दुल ठाकुर भी बैट्समैन है कि बैटिंग डेप्थ है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे को इतना लग नहीं रहा है कि डेप्थ के नाम पे चलो आठ है, लेकिन देखो सिक्स पे ललित यादव, मनदीप सिंह और टिम साइफर्ट भी एकदम नया है, तो मतलब इतना मेरे को लग नहीं रहा, चलो डेप्थ बस इसलिए यस किया मैंने क्योंकि आठवें नंबर तक शार्दुल ठाकुर आ रहा है। एक्चुअली इसको डेप्थ को ना शायद से यहाँ पे मतलब नो ही कर दोगी, रुको यार। तो गाइस देखो उस दिन मुंबई ने 178 का टारगेट दिया था, ठीक है, तो अब ये देखते हैं जब जैकपॉट का रेट आया 24-25, तब दिल्ली के 34 पे 3 हो गए थे, ठीक है, तो रेट तो आ गया वो जैकपॉट मैच का बनने लायक, तो अब ये देखना है कि वहां से जैकपॉट मैच होगा या नहीं होगा, उसके फेवर में हमारे वेरिएबल्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ मुझे तो नहीं लगता था कि लाइक वो उस दिन चेज हो जाएगा उतने विकेट होने के बाद, क्योंकि अगर डेप्थ देखो लाइक ऋषभ पंत आउट हो चुका था, टिम साइफर्ट आउट हो चुका था और मनदीप सिंह आउट हो चुका था, एक पृथ्वी शो बचा था, रोमन पवल और ये ललित यादव और अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, ये इतने बैट्समैन बचे जो मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि जैकपॉट मैच हो जाएगा। क्यों? उसके पीछे देखो वेरिएबल्स देखते हैं, ठीक है, उनकी डेप्थ मेरे को तो नहीं लगता नहीं थी, एक्स फैक्टर बैट्समैन एक रोमन पॉवल बचा हुआ था, ठीक है, और इनकी बॉलिंग में भी एक्स फैक्टर बुमराह के बचे हुए थे ओवर, और ओवरऑल बॉलिंग ओके और गुड थी, तो हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि लाइक जैकपॉट होगा तो खा लो मतलब ठीक है जैकपॉट होगा, ये वेरिएबल्स हमारे सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस दिन हम पकड़ नहीं पाते ये जैकपॉट होता। लेकिन हाँ अगर जैसे कुछ लोग जैसे थोड़ा उनकी पार्टनरशिप हुई तो 55-60 रेट आ गया था जब दिल्ली ने थोड़े रन मारे थे, तो बहुत से लोग सोचते कि लाइक दिल्ली चलो मुंबई पे लगा देते हैं, ठीक है, तो अब वो लगाने चाहिए थे नहीं चाहिए थे वो हम देखते हैं वेरिएबल्स के बेसिस पे, ठीक है, कि पिच तो एकदम बैटिंग है, ग्राउंड स्मॉल है, ठीक है, और ओवरऑल बॉलिंग भी उनकी ओके और गुड है, एक्सीलेंट नहीं है, ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स मतलब चेजिंग की तरफ भी जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है हम जैकपॉट चेजिंग वाला जैकपॉट तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम हमें लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम लगा भी नहीं सकते हैं क्योंकि ठीक है कुछ फैक्टर्स मतलब चेजिंग की तरफ जा भी रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है ये कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि लाइक चेज हो जाएगा जैकपॉट मैच होगा, लेकिन हम लगा भी नहीं सकते मुंबई पे क्योंकि सारी वेरिएबल्स हमारे साइड में नहीं है, तो बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ इस वाले मैच के थ्रू कि ठीक है ये वाला मैच हम जैकपॉट तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन हमें मुंबई पे लगा के लॉस भी नहीं करना था, ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है कि क्योंकि वेरिएबल्स पूरी तरह से सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि जैकपॉट भी होगा और ना ही पूरी तरीके से सजेस्ट कर रहे हैं कि लाइक ये डिफेंड हो जाएगा, ठीक है, तो बस यही है कि अगर रन क्योंकि रन एकदम मीडियम उसमें बने थे, ठीक है, तो आपको यही सब कुछ अपने वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखना है, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है, रेट के ऊपर नहीं जाना है कि रेट आगे चलो लगाना है खाना है, अपने ये देखो आपके वेरिएबल्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ इन वेरिएबल्स की वैल्यू आपको मैच में इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सब कुछ पता होगा ना कि कैसे कितने वेरिएबल्स है, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी, तो अगर मैंने एक वेरिएबल्स के ऊपर वीडियो भी बनाई थी किसको कैसे भरना, जो ये मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो ठीक है फिर मिलते हैं गाइज नेक्स्ट मैच नेक्स्ट वीडियो में, मैच बोल दिया।